हेलो लीब्रास, कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग योर अगस्त 2023। कैसा रहेगा आपका अगस्त का मंथ? सो लीब्रास, ये रीडिंग बेस्ड है ऑन योर सन साइन और योर मून साइन। सो जो भी साइन के साथ आप कनेक्ट करते हो ज़्यादा, आप उसके अकॉर्डिंग ये रीडिंग देख सकते हो। सो हम निकालेंगे आपके लिए 6 कार्ड्स। पहला कार्ड होगा फॉर योर चेंज इन ऑगस्ट, देन सेकेंड विल बी फॉर योर चैलेंज, देन ब्लेसिंग, देन लव, करियर एंड हेल्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग लीब्रास। सो लीब्रास, अगस्त 2023 प्रेडिक्शन। ओके लीब्रास, चलिए पहला कार्ड हम निकालते हैं फॉर योर चेंज इन ऑगस्ट। सो वी हैव पेज ऑफ कप्स। Then for your challenge in August, we have 2 of cups. Then for your blessing, we have 10 of cups. Then for your love life, we have the world. Then for your career, we have 7 of wands. And for your health, we have 9 of pentacles. Okay, so Libras, आपके लिए जो कार्ड आए हैं वो काफी अच्छे हैं। तो हम पहले बात करते हैं आपके चेंज की, जो अगस्त मंथ में आ रहा है आपके लिए। तो चेंज के लिए कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का। इस महीने आप कुछ ना कुछ मुझे क्रिएटिव करते हुए नजर आ रहे हो। अगर अभी तक आप अपनी क्रिएटिव साइड से अनजान थे कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या खूबियां हैं, क्या आपको करना है लाइफ में, अगर आप उस चीज़ से अनजान थे, तो इस मंथ आप फाइनली वो काम कर रहे हो जो काम आपको खुशी देता है। इस मंथ जो है, आप दिल से जो चीज़ आपको खुशी दे रही है ना, आप वो चीज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपको पसंद है पेंटिंग करना तो आप पेंटिंग कर रहे हो इस मंथ। अगर आपको पसंद है सिंगिंग करना तो आप सिंगिंग कर रहे हो इस मंथ, राइट? सो जो भी काम आपको दिल से खुशी दे रहा है, या तो वो आप एज ए हॉबी शुरू कर रहे हो या फिर आप एज ए प्रोफेशन जो है उसको चूज कर रहे हो, बट ये बहुत ही एक इनिशियल स्टार्ट होगी आपकी लाइफ की। बट आप फिर भी वो चीज़ शुरू कर रहे हो अपनी लाइफ में, और वो जो आपका जो क्रिएटिव माइंड है ना, वो उसको खोल रहा है। तो आपके अंदर की क्रिएटिविटी, टैलेंट जो है, इस महीने बाहर आ रहा है। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, आप डर नहीं रहे हो। तो जो भी आपके अंदर की वो खूबी थी, जो आपके अंदर ही कहीं ना कहीं दबी हुई थी, वो इस महीने जो है वो बाहर आ रही है। एंड यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट दैट। तो एक ये मंथ है एक्सप्रेस करने का, अपनी अच्छाइयों को, अपनी खूबियों को, अपने टैलेंट को। अब हम बात करते हैं आपके चैलेंज की, जो कि रहेगा 2 of Cups। 2 of Cups इज ऑफ कोर्स कार्ड ऑफ पार्टनरशिप, कार्ड ऑफ लव भी बोल सकते हैं इसको। सो यहाँ पे मैं बोलूँगी, जितना आप इस मंथ इंडिपेंडेंट वर्क करोगे उतना ज़्यादा खुश रहोगे। इस मंथ आपको किसी भी फॉर्म की पार्टनरशिप से जो है वो बचना है। आपको डिपेंड नहीं होना है किसी के भी ऊपर, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपका हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ठीक है, या फिर कोई बिजनेस पार्टनर हो, कोई जॉब का पार्टनर हो, आपको उनके उनके ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं होना है। आपको पार्टनरशिप से बचना है, आपको कोलैबोरेशन से बचना है, बिकॉज वो एक चैलेंज क्रिएट कर सकता है लॉन्ग टर्म में, राइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कि आपकी अगर लव लाइफ की बात करें, तो आपको अपने पार्टनर से किसी भी तरह के इमोशनल आर्ग्यूमेंट से बचना है। अगर हम बात करें फॉर योर बिजनेस, तो आपको किसी भी तरह के एक पार्टनरशिप जिसपे कि आप बिल्कुल भरोसा कर लो आंख बंद करके, वो चीज़ नहीं करनी है, राइट? तो आपको हर चीज़ समझनी है, सोचनी है। तो इट मीन्स बेसिकली आपको इमोशनल होकर कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेना इस मंथ रिगार्डिंग योर मेजर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। इमोशनली आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं इस मंथ, प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेने हैं। देन वी हैव 10 of Cups फॉर योर ब्लेसिंग्स। सो 10 of Cups दिखाता है बॉन्डिंग को, प्यार को, फैमिली को, एक इमोशनल कनेक्शन को। तो आपका जो इमोशनल कनेक्शन रहेगा आपकी फैमिली के साथ या आपके पार्टनर के साथ, वो बहुत स्ट्रांग रहेगा, राइट? तो आप वो जो प्यार है अपने पार्टनर की साइड से वो फील कर पाओगे, या अपनी फैमिली की साइड से वो प्यार फील कर पाओगे, या तो अपनी फैमिली से बहुत टाइम बाद मिल रहे हो तो आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप घूमने फिरने जा रहे हो अपनी फैमिली के साथ, राइट? या अपने दोस्तों के साथ, या ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं उनके साथ। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी एक अच्छी बॉन्डिंग, हंसी खुशी की वाइब्स आ रही है, कि आप बड़े खुश हो टाइम स्पेंड करके उन लोगों के साथ जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है,
और एक अच्छा एक आउटिंग का प्लान बन रहा है या घूमने फिरने का प्लान बन रहा है या बेसिकली जो आपके घर का माहौल है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, आपके पार्टनर काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे आपके लिए इस मंथ, अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे आपके लिए इस मंथ। तो इट्स लाइक ए बहुत ही ज़्यादा एक लाइट हार्टेड टाइम जहाँ पे आप एक टाइम स्पेंड करोगे विथ योर लव्ड वंस एंड यू विल इन्जॉय दैट। जैसे बहुत टाइम से आप उनसे मिले नहीं हो तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, या एक बहुत ही ज़्यादा एक बहुत टाइम बाद आप किसी से मिल रहे हो तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है उनसे मिलके। सो एक बहुत ही अच्छा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, तो ये आपको थोड़ा सा ना बर्डन फ्री करेगा। देन लेट्स टॉक अबाउट योर लव लाइफ देन, विच इज़ द वर्ल्ड कार्ड, विच इज शोइंग की वर्ल्ड कार्ड इज शोइंग सम काइंड ऑफ अ कम्प्लीशन ऑफ अ साइकिल। सो इट्स लाइक एक नई साइकिल शुरू हो रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में। या वर्ल्ड कार्ड भी दिखा रहा है वर्ल्ड ट्रैवल, तो या तो आप और आपके पर्सन दोनों ही कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हो, फिर कहीं ना कहीं अपने दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर रहे हो घूमने फिरने के लिए, कहीं बीच साइड ट्रैवल कर रहे हो। इट्स ऑल्सो अबाउट अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन रिलेशनशिप, तो आप और आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ सकते हो, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन से किसी से मिल सकते हो थ्रू इंटरनेट और समथिंग, राइट? तो आपकी आपका जो लव लाइफ है वो मे बी आप वीडियो कॉल्स और फोन कॉल्स पे बहुत बातें करोगे अपने पार्टनर से, मे बी आपसे दूर है वो इस टाइम, कहीं दूसरी जगह पे रहते हैं तो आप उनसे काफ़ी कनेक्टेड रहोगे, राइट? तो इट्स लाइक अ न्यू साइकिल इज बिगनिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, एंड इट्स ऑल्सो अबाउट लेटिंग गो ऑफ मैनी थिंग्स। इट्स ऐसे कि बहुत कुछ इश्यूज थे या आर्ग्यूमेंट्स थे आप दोनों के बीच में, तो आप उन चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, आप एक नई शुरुआत कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, आप पुराने मुद्दों को छोड़ रहे हो, आप एक नई आप एक नए तरह नए सिरे से आप शुरू कर रहे हो अपनी लव लाइफ अपने पार्टनर के साथ। तो एक बहुत ही फ्रीडम वाली एनर्जी रहेगी इस महीने। अब हम बात करते हैं आपके करियर की, तो यहाँ थोड़ा सा चैलेंज दिख रहा है फॉर करियर लाइफ कि सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मे बी आपके ऑफिस में जो हैं आपके लोग, आपके जो कलीग्स हैं, वो आपको थोड़ा सा आपको आपके अगेंस्ट हो जाएं, या फिर आपको चैलेंज करने की कोशिश करें, या फिर आप कोई अगर एग्जाम दे रहे हो तो आपको ऐसा फील हो कि यहाँ तो बड़ा कंपटीशन है, तो आपको एक कंपटीशन की भावना आ सकती है अपने ऑफिस में या अपने वर्क प्लेस पे या अपने स्टडीज़ में या अपने जनरली आप जो करियर आपका पाथ है उस चीज़ में, यू फील कि सब मेरे अगेंस्ट हो रहे हैं और मैं अकेला खड़ा हुआ हूँ। पर आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप काफ़ी डिटरमाइंड हो चीज़ों को लेके, आप बिल्कुल लाइक आपका जो मोटिवेशन है ना वो बहुत अच्छा रहेगा कि मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे किसी की बातों में नहीं आना है, जो चीज़ें मेरे लिए सही हैं वो सही हैं। तो वट एवर योर हार्ट, वट एवर योर ब्रेन इज टेलिंग यू, आप उसको फॉलो कर रहे हो और आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, और भले थोड़ी सी चीज़ें आपको टफ लग सकती हैं इस महीने कि आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है या फिर आपके लिए कुछ बिल्कुल नया है, तो स्टार्टिंग में इट्स अ बिट ऑफ स्ट्रगल, बट एज द टाइम विल पास वो स्ट्रगल जो है वो कम हो जाएगा आपके लिए। देन लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ विच इज द नाइन ऑफ पेंटिकल, सो विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल हेल्थ आपके लिए रहेगी इस मंथ। बहुत टाइम बाद एक बहुत ही रिलैक्सिंग टाइम आप महसूस करोगे जहाँ पे आपके लिए बहुत कुछ काम नहीं है, आप एक फ्रीडम वाली एनर्जी दिख रही है मुझे आपके लिए। आप कोई हॉलीडे पे जा रहे हो, आप कोई घूमने फिरने जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको काफ़ी एक रिलैक्स मिल रहा है मेंटली भी इमोशनली भी, आप काफ़ी एक, या फिर अगर आप इसे ऑन कर रहे हो तो आप अपने ऊपर काफ़ी स्पेंड कर सकते हो इस मंथ, तो अपने आप को पैम्पर कर रहे हो विद गुड थिंग्स इन योर लाइफ, तो आपको बड़ा आपकी इमोशनल हेल्थ काफ़ी अच्छी हो रही है कि आप शॉपिंग कर रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है वो करके, इट्स लाइक अ थेरेपी फॉर सम पीपल, राइट? बट ओवरऑल हेल्थ इज़ वेरी गुड। आप इस महीने कुछ अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो आपको और अच्छा फील होगा, आप अपने आप को काफ़ी, और जैसे कि बहुत टाइम से आप अपने अपने आपने अपने आप को रेडी नहीं करा, तो आप इस मतलब थोड़ा सा रेडी होके रहोगे तो अपने आप को देखने में आपको अच्छा लगेगा कि मैं रेडी हूँ एकदम, आई एम फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ, तो आपको अपने बारे में काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव फीलिंग जो है वो आ रही है, और आप हेल्दी फूड जो है इस मंथ ले रहे हो। अब हम और कार्ड्स देख लेते हैं फॉर यू लिब्रा फॉर ऑगस्ट। सो फर्स्ट वी हैव यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, तो आप बिल्कुल सही पाथ पे जा रहे हो अपनी लाइफ में, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि आप रॉन्ग जा रहे हो, बिल्कुल आप सही हो। अगर आप कन्फ्यूज हो तो डिवाइन सिंह आप बिल्कुल सही जा रहे हो। देन वी हैव मून चेंजेस इन योर लाइफ, तो इस मंथ कुछ चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, जनरल चेंजेस हो सकते हैं कि जो ये चेंजेस आने ही आने हैं आपकी लाइफ में, आपको उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, राइट? ऑफकोर्स गुड चेंजेस पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, पर जो भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो आने ही हैं आपकी लाइफ में। देन
देन वी हैव ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम. तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको एज ए ऑब्स्टिकल लग सकती है, जैसे कि करियर की हम बात करें तो करियर वाइज, जैसे कि लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, आपके लोग खिलाफ हो रहे हैं कुछ कुछ, राइट? तो वो एक ऑब्स्टिकल रहेगा, बट आप उसको जो है वो ओवरकम कर जाओगे बिकॉज आप में खुद में उतनी पावर है. देन वी हैव अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड. तो कुछ चीज़ों के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी रिगार्डिंग, कि जिस चीज़ों के रिगार्डिंग आप कन्फ्यूज़ हो इस टाइम लाइफ में, कि एक कन्फ्यूजिंग सा माहौल है आपके अगर आसपास, तो जस्ट प्लान कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, आपको आगे क्या करना है. तो एक प्लानिंग जो है इस मंथ आपके लिए वो अच्छी रहेगी. विदाउट प्लान अगर आप इस मंथ में चलोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी. अगर आप कुछ प्लान बना लेते हो ऑलरेडी तो वो सही रहेगा आपके लिए. एडवाइस देख लेते हैं लीब्रा आपके लिए. ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू इज अनकवरिंग ट्रेजर बीनीथ द सर्फेस लाइज ग्रेट बाउंटी. तो आपके लिए बीनीथ द सर्फेस बहुत सारा खजाना है, बहुत सारी हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं. अभी आप नहीं देख पा रहे हो लेकिन वो है, वो छुपा हुआ है अभी आपसे. तो वो राइट टाइम पे डिवाइन आपके सामने वो रिवील करेंगे अगस्त के महीने में. एंड यू विल बी सरप्राइज कि सब कुछ कितना अच्छा हो गया आपकी लाइफ में. फाइंडिंग सेंचुरी ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स. तो कहीं ना कहीं इस मंथ आप जितना अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड रहोगे, जितना आप स्पिरिचुअल भी रखोगे अपने आप को, आप स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व रहोगे, उतना ही जो है आपके लिए अच्छा रहेगा. और आपको जो स्पिरिचुअलिटी है वो एक एक तरह से ताकत देगी आपको जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में उसको हैंडल करने में. ओके, सो लीब्राज, ये है आपकी रीडिंग फॉर द अगस्त मंथ. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय.